Dear students, today we will discuss the lesson number 2, The Friendly Mongols. We will discuss the summary of this lesson from the book A Pact with the Sun. In this lesson, in the beginning of the chapter, a farmer who used to live in a village with his wife and a newborn child has been introduced. जब ये chapter start होता है तो जो फार्मर है उसकी वाइफ है वो विलेज में इकट्ठे रहते हैं और उनका एक न्यू बॉर्न बेटा चाइल्ड का बॉर्न हुआ है न्यू बॉर्न चाइल्ड है. वंस द फार्मर टोल्ड हिज वाइफ दैट ही विश टू हैव अ पेट एज अ कंपेनियन फॉर हिज सन. अब जो फार्मर की वाइफ है किसान की वाइफ फार्मर से कहती है कि वो एक कंपेनियन रखना चाहती है अपने सन के लिए. कंपेनियन मीन्स साथी रखना चाहती है और वो साथी हैव अ पेट पेट रखना चाहती है. हिज वाइफ आल्सो गेव अ नॉड टू दिस एंड द फार्मर ब्रॉट अ बेबी मोंगूज विद हिम द नेक्स्ट डे. अब उसकी वाइफ और फार्मर जब दोनों इस बात पर एग्री हो जाते हैं तो एक बेबी मोंगूज को अपने घर पर लेकर आते हैं. मोंगूज मीन्स नेवला. वन डे लिविंग देयर सन एंड द मोंगूज अलोन इन द हाउस. अब क्या होता है एक दिन वो दोनों किसी काम से घर से बाहर जाते हैं और मोंगूज को अपने बेटे के साथ अकेला छोड़ जाते हैं. द फार्मर्स वाइफ वेंट टू मार्केट. जो फार्मर्स की वाइफ है वो मार्केट में जाती हैं बाजार जाती हैं टू बाय सम ग्रोसरीज सब्जी लेने के लिए. एट दैट टाइम द फार्मर वॉज आल्सो इन द फील्ड. और उस टाइम पर जो फार्मर है जो किसान है वो भी फील्ड में होता है खेतों में चला जाता है. व्हेन द फार्मर्स वाइफ केम बैक. और जब फार्मर्स की वाइफ वापस आती है केम बैक टू होम घर वापस आती है. शी सा द माउथ एंड पाज ऑफ द मोंगूज स्मीयर्ड विद ब्लड. तो वो देखती है कि जो मोंगूज के जो पाज हैं जो पंजे हैं उसका जो मुँह है वो ब्लड से खून से भरा हुआ है. Smeared means fill up होना. She thought that it had killed their baby. तो farmer की wife सोचती है कि mongoose ने उस नेवले ने उनके baby को मार दिया है. So she killed the mongoose by hitting it with a basket full of groceries. और उसके हाथ में जितनी भी groceries का basket थी सब्जी वाली basket थी वो mongoose के ऊपर hit कर देती है गिर देती है. After that She realized that her baby was fast asleep. और कुछ टाइम के बाद वह realize करती है कि उसका बेबी जो है उसका जो चाइल्ड है वो गहरी नींद में सोया हुआ है. And a black snake was lying dead. और वहीं पर उसके बेटे के पास एक स्नेक मरा हुआ पड़ा था. She understood that the mongoose had killed the snake. अब उसे अंडरस्टूड हुआ अब उसे समझ आया कि मोंगूस ने उस स्नेक को मारा नेवले ने उस स्नेक को मारा एंड सेव्ड हर सन और उसके बेटे को बचाया है. शी रिपेंटेड. रिपेंट मीन्स होता है पछतावा करना. शी रिपेंटेड हर एक्शन बट इट वॉज़ टू लेट. अब जब वो पछतावा कर रही थी तो वो बहुत देर हो चुकी थी बिकॉज शी हैज़ किल्ड द मोंगूस क्योंकि उसने मोंगूस को मार दिया था. Now we will discuss the question answer of this lesson. Question number 1. Why did the farmer bring a baby mongoose into the house? जो farmer है वो baby mongoose को अपने घर क्यों लाते हैं? Bring means लाना. Answer. The farmer brought a baby mongoose into the house to give a companion to his baby. वो अपने baby को companion देना चाहते थे company देना चाहते थे साथी देना चाहते थे. Second question. Why didn't the farmer's wife want to leave the baby alone with the mongoose? कि जो farmer की wife थी वो mongoose को अपने baby को alone क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी. She didn't want to leave the baby alone with the mongoose because after all it was an animal. क्योंकि वो एक animal था जो mongoose था वो एक नेवला था. Third question. What was the farmer's comment on his wife's fears? Farmer का क्या comment था जब farmer की वो wife थी वो घबरा जाती थी. Fear means डरना. Answer. His comment was that the mongoose was a lovely animal. जो mongoose था वो एक अच्छा animal था. It was as sweet as their own baby. और वो इतना ही sweet था जैसे उनका खुद का baby था.
क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मोंगूज विद हर बास्केट। फार्मर की वाइफ स्ट्राइक क्यों करती है अपनी बास्केट से, किस पर? मोंगूज पर, नेवले के ऊपर प्रहार क्यों करती है? आंसर, द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मोंगूज विद हर बास्केट बिकॉज शी थॉट दैट ही हैड किल्ड हर बेबी, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि मोंगूज ने उनके बेटे को मार दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, डिड शी रिपेंट हर हैस्टी एक्शन, कि क्या उसे अपने एक्शन पर पछतावा हुआ? हाउ डज शी शो हर रिपेंटेंस, और उसने अपने पछतावे को कैसे शो किया? आंसर, यस शी रिपेंटेड, उसे पछतावा हुआ। शी शोड हर रिपेंटेंस बाय क्राइंग एंड सेइंग व्हाट शी हैड डन एंड स्टेयरिंग कंटिन्यूसली एट द डेड एनिमल, उसे पछतावा हुआ, फिर वो क्राई, उसने क्राई किया, फिर वो चिल्लाई और उसने क्या कहा कि मैंने गलती से इस एनिमल को मार दिया है, और वो उस एनिमल को कंटिन्यूसली देखती रही, घूरती रही। दीज आर द क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन नंबर 2।